भैया राम, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो आप लोगों को पता चल ही चुका है अभी तक कि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, और रास्ते पे मैं पैदल और लिफ्ट के थ्रू केदारनाथ जाऊँगा। और 15 दिन का ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैं करता हूँ जॉब और मुझे सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिली है। तो 15 दिन में देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए आए हो, आप इंडिया में कहीं से भी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर केदारनाथ की ट्रिप सक्सेसफुली हो जाती है तो मेरा ड्रीम है ऑल ओवर इंडिया ट्रिप करना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमना है। ठीक है, तो अभी पूरा सामान मैंने यहाँ बिछा दिया है आप लोगों के लिए कि मैं क्या क्या सामान ले जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप भी अगर केदारनाथ वगैरह जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा, और सामान कहाँ से ख़रीदा उसकी लिंक वगैरह भी नीचे मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं, बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है, और ये वीडियो आप जब तक देखोगे शायद मैं इंदौर से निकल चुका हूँगा, पर पूरा सपोर्ट और पूरा प्यार आपको देना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो पूरा सामान, बैग, टेंट और स्लीपिंग बैग, कुछ खाने पीने का सामान है, शूज़ है, एक्स्ट्रा बैग है, ये पोंचो है, ये रेनकोट है, और ये अपना लिफ्ट मांगेंगे हम इससे। इसके अंदर कुछ ट्रेवल पाउच वगैरह हैं, ये रेनकोट है, और सॉक्स है, और पाउच है, ये जो रेड कॉप देख रहे हो ये मिर्ची वाला स्प्रे है, किसी के आँखों वगैरह में मारेंगे अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये कैप है, और ये 50,000 mAh का पावर बैंक है, और ये थोड़े से कपड़े, थोड़े से तो नहीं बहुत सारे, और ये सब इस बैग में जाएगा। ठीक है, तो बैग के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो बैग है ये छोटा मोटा बैग नहीं है, ये इतना बड़ा बैग है। ठीक है, इसमें बढ़िया यहाँ रेन इसका कवर भी है, रेन कवर, और ये वाला जो सेक्शन है ये अलग भी हो जाता है, और काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आई होप ये सारा सामान आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये बैग मैंने ख़रीदा था 3,500 रुपये में अमेज़ॉन से। मैं डीकैथलॉन भी गया था, पर इस साइज़ का बैग वहाँ पे 11,000 रुपये का था, सो मैंने अमेज़ॉन से मंगा लिया। अगर आपको ये बैग अभी ट्रिप में आपको दिखेगा, अगर आपको ये बैग पसंद आता है तो नीचे अमेज़ॉन की लिंक रहेगी, वहाँ से ख़रीद लेना। मुझे आर्मी ग्रीन बहुत कलर फेवरेट है मेरा, इसलिए मैं लेके आ गया। और वो है टेंट, ये वैसे टेंट 2 लोगों का लाना था, मैं 3 लोगों का लेके आ गया हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर भी मेरे को ट्रैवल और करना है और दोस्तों के साथ भी करना है। तो ये टेंट आया था 3,500 रुपये का। और ये है स्लीपिंग बैग, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। अब स्लीपिंग बैग क्या होता है ये क्या कैसे बताऊँ आपको, ये एक कंबल है, ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अपन घुस के सो जाएंगे। और ये इन्होंने आई मास्क भी दे दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये है पोंचो, पोंचो ये इस टाइप का रेनकोट है, और डीकैथलॉन से लाया था मैं, इसकी प्राइस है 499, 500 रुपये का है। ये ट्रैकिंग के लिए शूज़ लाया हूँ, ताकि ऊपर चढ़ने में तकलीफ़ ना हो, शूज़ की कॉस्ट कुछ ज़्यादा है। शूज़ कितने का लाया हूँ मैं, 6999 का शूज़ है। ठीक है, ये स्टिक लाया हूँ बर्फ वर्फ पर चलने के लिए। ये एक्स्ट्रा बैग है 30 लीटर का, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। ये एक्स्ट्रा शूज़ ले लिया है मैंने नॉर्मल। ये ट्रैवल पाउचेस है, ये ट्रैवल पाउचेस कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ। ये भी अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने। ये देखो, ये इस टाइप का पाउच है, इसमें आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो, और अच्छा है ये। इसकी भी लिंक नीचे दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। ये अम्ब्रेला, ये रात को शाइनिंग करता है, जैसे ये चमक रहा है यहाँ, ये अंगूठे का देखो, तो ये जब भी इस पर लाइट पड़ेगी रात को चमकेगा ही।
ये कलर प्रिंट आउट पेज है जिसमें मैंने लेमिनेशन करवा लिया है, तो इसके थ्रू हम रास्ते पे लिफ्ट मांगेंगे। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी मेडिसिन है जिसमें बैंडेड है, ग्लूकोज है, सिर दर्द, वोमिटिंग, लूज मोशन, इन सब की ये एक्स्ट्रा रस्सी। और ये क्या चीज़ है, ये मैंने डीकैथलॉन से लाया था शूज़ में एडिशनल लगाने के लिए। ये सोल है, ये 500 रुपये का आया था, तो ये शूज़ में अपन एक्स्ट्रा लगा देंगे तो चलने में इजी होगा। ठीक है, और क्या है, ये भी डीकैथलॉन से लाए थे, हाइड्रेट पाउडर है, अगर गर्मी में कोई दिक्कत आती है तो ग्लूकोज जैसे ही है। ठीक है, ये है मिर्ची वाला स्प्रे, खुद की सेफ्टी के लिए, किसी की आंखों वगैरह पे मार देंगे तो काम हो जाएगा। 350 रुपये का, 250 रुपये का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस का आता है। और क्या लिया है मैंने, और ये एक पाउच है, सॉक्स है, ये विंटर सॉक्स है, और ये हैंड की स्लिप्स है, ग्लव्स है, और कैप है अलग अलग टाइप की, और ये मेरी केबल्स, GoPro चार्ज हो रहा है, एक चार्जर ये लेके रखा है, एक ये लेके रखा है, और एक ये मल्टी चार्जर लेके रखा है मैंने, जिससे ये दो अलग अलग केबल से भी चार्ज हो जाएगा और यहाँ से भी चार्ज हो जाएगा, मतलब एक साथ दो तीन चीज़ें आप चार्ज कर सकते हो। तो पूरा ये सामान मैं अभी लेके जा रहा हूँ, थक गया हूँ क्योंकि दिन भर जॉब करके आया हूँ, अब बैग पैक करना है और कल सुबह निकलना है, तो फटाफट ये सारी चीज़ें पैक करता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे क्या आगे का सफ़र है। इतना सारा सामान देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 7,000 रुपये का जूता, 3,500 रुपये का बैग, ये लड़का कितना खर्चा कर रहा है और अभी वीडियो में बता रहा है कि विदाउट मनी ट्रैवल करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जितना भी सामान है इन सबको ख़रीदने के लिए मैं पिछले 3 महीने से रैपिडो चला रहा हूँ, फूड डिलीवरी कर रहा हूँ, जॉब पे ओवर टाइम कर रहा हूँ, और ये सब करके मैंने पैसे जोड़े हैं ताकि मैं सेफली केदारनाथ तक पहुँच सकूँ। तो फाइनली अपना बैग पैक हो गया है, देखो सही लग रहा है। अब एक छोटी सी दिक्कत ही आ गई है कि टेंट नहीं आ पा रहा है, उनके लिए जगह ही नहीं बच रही है। अभी अपने पास ये लगेज है, देखते क्या होता है, या तो कल दूसरा टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह निकलना है, या तो फिर 9 बजे तक वेट करो डीकैथलॉन का, क्योंकि ये अब गलती से अपन बड़ा टेंट लेके आ गए, अब गलती का हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अब ये आ नहीं रहा है यहाँ पर, और आ भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है बैग का। कैसा लग रहा है वैसे बैग, तो पैकिंग हो गई है, अब कल सुबह निकलेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और ये जो बैग है और जितनी भी चीज़ें ली है मैंने ऑनलाइन, सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी शॉपिंग कर सकते हो वहाँ से। बैग बढ़िया लगा मेरे को बहुत, मेरे को यकीन नहीं था इतनी क्वांटिटी इसमें आ जाएगी, सब आ गया इसमें, और पाउच वगैरह और वो सेफ्टी स्प्रे, वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन मंगवा लेना। ठीक है, जय केदारनाथ, बस कल बारिश ना हो, मौसम अच्छा रहे, और टेंट को लेके तो कन्फ्यूज़न चल ही रहा है। ठीक है, बाकी रात की 3 बज रही है, सॉरी, बैग पिक करते करते बहुत ही बड़ा बैग हो रहा है, देखो मतलब समझ ही नहीं आ रहा इतना वेट कैसे लेंगे, पर सब ज़रूरी है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, बस रेनकोट का टेंशन है। ठीक है, एनीवे मिलते हैं कल सुबह केदारनाथ की यात्रा पे, और इसे प्यार बनाए रखो, देखते आगे क्या होता है। चलो, गुड नाइट।